नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के गिरफ्तार होते ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। आज जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की गिरफ्तारी ललितपुर में हुई तो एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के कई नेताओं को उनके घर में ही नजर बंद कर दिया था। आज झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन सहित कई स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन अपने साथियों के साथ ललितपुर जाने का प्रयास कर रहे थे। ललितपुर में शांति व्यवस्था बिगड़ने के खतरा था, इसलिए इन्हें हिरासत में रखा गया है। हम लोग हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करते हैं, शहीदी दिवस है, गुरुद्वारे पे मत्था टेकने जाते हैं, उसको भी योगी सरकार में रोका जा रहा। इससे बड़ा आपातकाल दुनिया में हो नहीं सकता। जब मत्था टेकने जाने के लिए भी हम लोगों को जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आज हम लोग शनिवार को, हर शनिवार को अभी इनको हिरासत में लिया गया है, इन्हें रोका गया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रदीप जैन आदित्य जी। ये ललितपुर अपने समर्थकों के साथ जाना चाह रहे थे और कहीं वहाँ कोई प्रोग्राम है जो हो सकता है कि वहाँ शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, जिसके हम लोग शांति व्यवस्था भंग ना हो उसके उपलक्ष्य में इनको यहाँ ललितपुर जाने से रोका गया है। तो वो लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कहने लगे, तो हम उनको लेके जा रहे हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग।